फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देख रहे हैं कलयुग तू एक कल्पना है बाय आशुतोष राणा। ओ वाओ, तो हमने आशुतोष राणा जी की मेरे ख्याल से दो वीडियोस की हैं और दोनों कमाल की थी। जो हमने पहले एक फर्स्ट वीडियो देखी, हमने कहा वाह बहुत अच्छा बोलते हैं। उसके बाद जब हमने सेकंड वीडियो देखी वो तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थी। हमने कहा ये तो भाई आप कमाल है। तो अब ऐसे लगता है आप लोगों ने कहा कि भाई ये सुनो, अब देखते हैं कि क्या ये वाली कविता हमारी वो दूसरी वाली कविता को बीट कर सकती है कि नहीं। पर आई एम श्योर चाहे बीट करे ना करे, आशुतोष राणा जी जो गा रहे हैं, जो बोलेंगे कमाल का ही बोलेंगे, क्योंकि उनका तरीका और बोलना बहुत ही अच्छा है। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दो, और उसी के साथ में एक घंटी है, बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस फ्यूचर के जो आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे जैसे ही हम उनको अपलोड करें। तो चलो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से देखते हैं ये वीडियो। अभी कलयुग आकर खड़ा हुआ है और वो परम ब्रह्म परमात्मा को बता रहा है कि मैं क्या हूं और मैं क्या चाहता हूं। तो अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं, अब तो बुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूं, और चाहता हूं इस जगत में शांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूं, चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूं इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले, मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। बता रहा है कि हल्के में मत लेना कि मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूं अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूं बात तुम ये जान लो, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए। डरा रहे हैं यार। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं, मारना है मुझको तो अगर तुम चाहते हो मुझे मारना, तो मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, इन्हें मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से रार लो, ये तुम्हारे भक्त ही अब दुर्विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं, मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का। जो अवतार थे उसने कह दिया कि अब मैं कि मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का, अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था वो कब कछल से मर चुका, तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हत तुम्हें बस्ती में सबके सामने, कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे मेरे ही मूर्ख थे बस जिद पकड़ना चाहते जानते थे, मैं नहीं ऐसा कि जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। वो कह रहा है तो कह रावण छोटी सी बात पर अड़ गए, दुर्योधन छोटी सी बात पर अड़ गए, तो कह रहा है कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा, अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। अब उसका एजेंडा दुनिया और देश नहीं है, अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को, मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, अभी हमने कहा ना रोम रोम में स्पिरिट होने वाले, तो मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाद पूजा और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे और तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे, अब मनुज की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुज के तन का हर एक रोम मेरा दास है, काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो। इनको समाप्त करने के लिए तुमको पूरी सृष्टि मिटानी पड़ेगी, तो काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो, और तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक इष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे, अब बचो अपने ही भक्तों से संभालो जान को, और बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। मतलब
भगवान से कह रहा है कि इन्हीं से अब तुम अपने गौरवमान को बचा लो तो बच सके, तो तुम बचा लो अपने गौरवमान को। अब नहीं मैं रूप धर के सत सवर के घूमता हूं, अब नहीं मैं रूप धर के सत सवर के घूमता हूं, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूं, अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और आरण, अब हुए अभिनंदनीय झूठ हत्या और गमन, मैं कली हूं आचरण मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अपकीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। ये कहके वो भगवान को उसने डरा दिया, हमें भी डरा दिया, और उन्होंने बहुत गंभीरता से पूरी बात सुनी। अब वो क्या बोलते हैं, महामौन का मुखर घोष, वो तो महामौन है, कहते हैं कि तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन बुनता रहा, है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत के वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते, मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है, तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं ही ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है, तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, और तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है, तू नहीं कुछ भी कली इस सत्य को तू जान ले, तू नहीं कुछ भी कली इस सत्य को तू जान ले, और कुछ नहीं है बस मैं तेरे बात मेरी मान ले। अब कली को क्या है वो बता रहे हैं कि जो तू बीत गया ऐसा कल है या आने वाले कल का छल, मैं वर्तमान का महाराग, मैं सदा उपस्थित पुलकित पल, तू बीते कल की ग्लानी है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान आनंद क्षण, ये विश्व मुझे में खिलता है, तू कल की बातें करता है मैं कल की बनकर आता हूँ, और तेरे कल की बातों को मैं कल की याद मिटाता हूँ, और तू कली कपट का ताला है मैं कल की उसकी ताली हूँ, तू कली कपट का ताला है मैं कल की उसकी ताली हूं, और तू शंका की महाधुंद मैं समाधान की लाली हूं, कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन, कल वो जो तुम पहुंचाएगा, कल का मतलब जो ग्लानी है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है, कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है, और कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। कली अब वो समझा रहे धीरे धीरे, कह रहे कि कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है, चल तुझको आज बताता हूं मैं विश्व रूप दिखलाता हूं, मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूं, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूं, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूं, जब सत्य जागता है मुझ में मैं सतयुग नाम धराता हूं, जब सत्य जागता है मुझ में मैं सतयुग नाम धराता हूं, जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूं, जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूं, जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूं, आनंद मग्न जब होता हूं तब शिवचंद्र कहलाता हूं, और जब प्रलय तांडव नृत्य करूं तब महाकाल हो जाता हूं, मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही बंशीधर का दान, और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का वाण, और तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार, मैं सृष्टि का विजयनाथ हूं, मनुष्य हृदय की जय जयकार। अब वो बता रहे क्या कि तू भी अनंग मैं भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कल है कपट का है कुरूप, तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप मैं हूँ प्रचंड, मैं ही सकार मैं ही नकार, मैं धुआंधार मैं ही बकार, मैं ही पुकार मैं चित्कार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार, पैरी कबैर प्रेमी की तेज निर्बल कमान, मैं खुश की मैं ही हूँ ध्यान, मैं ही अजान ये यान बान सारा जान, मैं ही खटपट, हमारे और आपके अंदर खटपट होती है ना, तो कह रहे हैं कि मैं ही खटपट मैं ही झटपट,
मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, मैं ही इस घट मैं ही उस घट, मैं ही पनिहारेन और पनघट, मैं ही अटकन मैं ही भटकन, मैं ही इस जीवन की चटकन, मैं अर्थवान मैं धर्ममान मैं मोक्षवान मैं कर्मवान मैं ज्ञानवान विज्ञानवान मैं दयावान मैं कृपानिधान। बता रहे हैं कि कर्म भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं, जीवन का सब धर्म भी मैं हूं, जीवन के इस पार भी मैं हूं, जीवन के उस पार भी मैं हूं, जीवन का उद्देश्य भी मैं हूं, जीवन का उपकार भी मैं हूं, आह भी मैं हूं, वाह भी मैं हूं, इस जीवन की चाह भी मैं हूं, तन भी मैं हूं, मन भी मैं हूं, इस जीवन का धन भी मैं हूं, आन भी मैं हूं, मान भी मैं हूं, इस जीवन की शान भी मैं हूं, ज्ञान भी मैं हूं, दान भी मैं हूं, जीवन का अभिमान भी मैं हूं, जीत भी मैं हूं, हार भी मैं हूं, इस जीवन का सार भी मैं हूं, संत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं और आदि और अनंत भी मैं हूं, भूख प्यास और आस भी मैं हूं, जीवन का विश्वास भी मैं हूं, तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। यह कली का दिल डोला, यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली विचलित होला, मैं धम्म धमाधम मधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हटी मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी, हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो और अंतस की कालिख को हे स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। सो बहुत ही बढ़िया वीडियो था, बहुत ही बढ़िया पोयम थी। अब आशुतोष राणा जी की हमने मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी पोयम सुनी है और डेफिनेटली उनको बहुत ही बढ़िया पोयम लिखनी और बोलनी आती है। आप लिख सकते हैं मगर जिस तरीके से वो बोलते हैं उस तरीके से वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आपके दिमाग में वो स्टोरी चल रही होती है। जैसे जैसे वो एक साइड का बयान करते हैं, फिर दूसरी साइड का बयान करते हैं, फिर जैसे जैसे शब्द बोलते हैं एक एक शब्द में पावर है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये आर्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये एबिलिटी है इस टाइप की पोएम्स लिखनी। और ये सारी जो पोएम्स हैं सिमिल हैं दिनकर जी की भी, और जो संदीप जी थे उन्होंने भी जो बोलते हैं वो काफ़ी ये पोएम्स मिलती जुलती एक ही घराना जैसे बोलते हैं, एक ही टाइप की लग रही हैं और शुद्ध हिंदी के वर्ड्स हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इसमें गुड वर्सेस बैड की लड़ाई दिखाई है। तो कलयुग हैं वो बैड हैं, कलयुग दिखाता है कि मैं इससे बुरा हूँ, मैं उससे बुरा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, तुम्हारे सब जितने भी इंसान उनके अंदर मैं आ चुका हूँ, मतलब जो बैड फीलिंग्स हैं जो बैडनेस है वो हर एक इंसान के अंदर ऑलरेडी जा चुकी है। तो नहीं बोला जो भी तुम्हारे भक्त हैं उनके अंदर भी बैठा हूँ मैं, सबके अंदर मैं बुरा आ चुका है, अब तुम क्या करोगे, सबके अंदर बुरा है। और फिर जो है भगवान आते हैं बोलते हैं सब कुछ जो है मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, बुरा भला सब मैं ही हूँ। और वो अपना जो है यूनिवर्सल रूप दिखाते हैं, जो आपने भगवत गीता में देखा होगा भगवान का, तो यूनिवर्सल रूप दिखाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ही हूँ। और फिर दिखाते हैं कि जो बैड पार्ट है वो डरता है और कहता है अच्छा मेरे को माफ़ कर दो और मेरे को ख़त्म कर दो, मेरे को हटा दो। तो काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी ये पोएम्स जो हैं ये हर बात में इसी बात को याद दिलाती हैं कि लाइफ टेम्पररी है और आपका कर्मा जो है वो अच्छे करने चाहिए, वरना आपके पास आएंगे, सेल्फलेस कर्मा होना चाहिए। और अगर आपको कोई बता रहा है कि ये आपकी लाइफ ही टेम्पररी है तो आप बुरा काम क्यों करेंगे, टेम्पररी गेम है, अल्टीमेटली तो आपने मरना है, सब ने ख़त्म हो जाना है। तो जब टेम्पररी ही है तो बुरा काम इंसान क्यों करे, अच्छा काम ही करो, टेम्परेरी कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा था और विवाद जो था बुरे और अच्छे में विवाद था, और दिखाते हैं अच्छा जीतता है, वो तुम्हें पता ही है अच्छा जीतेगा। तो बहुत ही बढ़िया पोएम है और अगर डीपली सोचे भी तो आपको लगेगा कि अच्छाई कैसे जीती है, अच्छाई उन चीज़ों से जीती है, कोइंसिडेंस से जीती है जिसका कोई पता नहीं चलता। मतलब कभी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है, तब आपको लगता है कि ये अच्छाई है और अच्छे लोग हैं और अच्छा होता है और आपको भी ऐसा अच्छा बनना चाहिए। कितनी सारी न्यूज़ आती हैं जो बुरी होती हैं, मगर अल्टीमेटली इसमें काफ़ी न्यूज़ होती हैं जो अच्छाई पे भी बेस्ड होती हैं। किसी ने किसी की हेल्प की, कुछ किया बिना किसी
चीज को रिटर्न में मांगे। अल्टीमेटली यही है, किसी की हेल्प करना बिना कुछ रिटर्न में लिए, वही मेन है। तो बहुत ही अच्छी पोएम है और ये जो पोएम सुनता है वो उसमें भी अच्छे विचार आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से डिलीवर की और अच्छी चीज़ है कि ये अच्छी पोएम्स जो है अपनी जगह जगह बता रहे हैं। यस फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर थी और जिस तरह से उन्होंने बोला बहुत ही मजा आ रहा था सुनने में। और जिस तरह से वो कई लाइनों में जब वो धड़ 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 करके बोल रहे थे ना, ओ माय गॉड, वो तो बेस्ट पार्ट था उनके जब वो कविता बोल रहे थे। इतना तेजी से और एकदम से बोलना बड़ा मुश्किल काम है। और चाहे उनके पास फोन था पर वो हार्डली उस फोन पे देख रहे थे, वो थोड़ा बहुत उसको देख के मतलब कर रहे थे, पर रटी हुई थी उनको ये अपनी कविता और बहुत ही अच्छा था। और जैसे आवाजें आ रही थी उनकी जब वो बोल रहे थे, पीछे से क्लैपिंग और वो सब, उसे पता चल रहा था कि जो ऑडियंस है वो भी बहुत ही उनकी कविता सुन के खुश हो रही। और हमें तो, मुझे तो बहुत मजा आया सुनने में। मैं तो बहुत ध्यान से सुन रही थी क्योंकि एक तो बहुत जल्दी बोलते हैं और इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मुझे था मैं कुछ छूट गया ना तो फिर समझ नहीं आएगा, तो ध्यान से सुनूं। तो जब वो शुरू में उन्होंने बोला तो मुझे लगा कलयुग बोल रहे हैं, कलयुग आ गया है। तो हम सबको भी लगता ही है कि कलयुग आया हुआ है, सब गलत चल रहा है, सब कुछ है। तो वो जब वो कलयुग को एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो अभी हो रहा है, मतलब अब हम खत्म हो गए। पर जब उन्होंने फिर आगे दिखाया कि जब भगवान वापस आंसर करते हैं, फिर होप बढ़ी, फिर लगा ओ ठीक हो रहा है अब सब, मतलब होप नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है सब। तो फिर बड़ा वो हुआ। तो पहले शुरुआत में तो मैं बहुत घबरा गई थी कि ये क्या बोल रहे हैं, पर बहुत अच्छा बोला, इतना सुंदर, इतना सुंदर। ऐसी चीजें सुन के ना तो आपके अंदर भी अच्छाई जाती है, ये बहुत ब्यूटी है ऐसी कविताओं की। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको भी अच्छी लगी होगी और आपको भी मजा आया होगा उनका ये टैलेंट देख के, इतनी सुंदर कविता जिस तरह से उन्होंने बोली है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड Bye-bye. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।